लेसन नंबर 1 में हमने रूम क्रिएट करना सीखा था। आज उसी सीरीज का 3D इंटीरियर डिजाइनिंग सीरीज का लेसन नंबर 2 है। आज के वीडियो में हम लोग डोर्स, विंडोज, मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उमर फारूक फ्रॉम इंटीरियर 8। सबसे पहले हमने अपने रूम में डोर को फिक्स करना है। डोर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में हमारे पास डोर्स मौजूद हैं। यहाँ से हमने डोर का कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिधर हमें इसको प्लेस करना है, जिस वॉल पे भी हमको इसको रखना है वहाँ पर हम जाके इस डोर को ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने वॉल को थोड़ा सा अपने स्क्रीन को जूम करना है ताकि हम इस डोर की अगर हमें पोजीशन चेंज करनी है या वॉल से डिस्टेंस इसका कुछ करीब या दूर करना है तो हम उसको आसानी के साथ कर सकें। मुझे इस वॉल से इस डोर का डिस्टेंस 6 इंचेस की दूरी पर रखना है, तो मैं यहाँ पर 6 इंचेस के इसको ले आऊँगा, इसको जस्ट मूव करके। और अब मुझे इसकी डैमेज की प्लेसमेंट को चेंज करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है इनफैक्ट, तो मैं यहाँ पर फ्लिप के ऑप्शन को क्लिक करूँगा और मेरी डोर की पोजीशन चेंज हो चुकी है। राइट, अब अगर मुझे इस डोर को 3D पे व्यू करना है तो अगेन हम राइट साइड पे क्लिक करेंगे 3D के बटन पे और हम 3D पे पहुंच जाते हैं। ये मेरा डोर यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब मुझे इसकी डायमेंशन को अगर चेंज करना है, डायमेंशंस राइट साइड के ऑप्शंस पर हमारे पास आ रही हैं। और डायमेंशंस को चेंज करने से पहले हमने मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करना है। अगर हम इसको ऑफ नहीं करते हैं तो मैं विड्थ चेंज करूंगा तो हाइट भी चेंज हो जाएगी। विड्थ मुझे इस डोर की रखनी है लाइक 3 फिट की, तो मैं 3 देन फिट के साइन और एंटर। और हाइट मुझे रखनी है इसकी 7 की, तो 7 फिट एंटर। नाउ माई डोर साइज इज 3x7। मैं वापस 2D में जा रहा हूँ। अब मुझे विंडो यहाँ पर चेंज करनी है, तो मैं वापस से सर्च पे जाऊँगा और इधर विंडो को सर्च करूँगा, विंडोज़। अब यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ के हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। राइट, यहाँ से मैं कोई सी भी एक विंडो लेके उसको अपने डिज़ाइन में अप्लाई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वाली विंडो सेलेक्ट करी, उसको भी सेम उसी तरीके से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने यहाँ पे विंडो अपनी फिक्स कर दी। अब मैं इस विंडो का साइज चेंज करूँगा, पहले मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करके। विड्थ मैं रख लेता हूँ 8 फीट की और हाइट मैं इसकी रख लेता हूँ 7 फीट की। और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अपनी वॉल से सेंटर कर लेता हूँ। राइट, 4 फीट मेरे राइट साइड पर है और 4 फीट लेफ्ट साइड पर। अब मैं इसको 3D पे व्यू कर लेता हूं। अच्छा, अगर मुझे इस विंडो को थोड़ा और नीचे से शुरू करना है, जमीन से थोड़ा करीब मैं चाहता हूं इस विंडो को, तो यहां पर हमारे पास एक एलिवेशन का ऑप्शन है। एलिवेशन के ऑप्शन पे जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ साइजेस लिखे हुए हैं। मैंने अपना अगर कोई साइज देना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 12 इंचेस हाइट पे चाहिए ये विंडो के ज़मीन से सिर्फ 12 इंच एलिवेट हो, तो यहाँ पे मैं 12 देन इंच का साइन और एंटर, तो मेरी विंडो 12 इंच हाइट पर आ गई फ्लोर से। अच्छा, अब हम लोग रूम में अपने कुछ मटीरियल्स अप्लाई कर लेंगे। मटीरियल्स के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा मटीरियल लाइब्रेरी पे। मटेरियल लाइब्रेरी में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे वॉल पे कोई मैट पेंट करना है, मैं यहाँ से मैट पेंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि यहाँ पे पेंट्स के शेड्स हैं। यहाँ पर यहाँ से कोई भी पेंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर लेके और इसको इस वॉल के ऊपर जस्ट ड्रॉप करना है। मेरी इस वॉल पर ये कलर अप्लाई हो गया। देन कोई और कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, लाइक ये हमने ग्रे कलर अप्लाई करना है हमने अपनी लेफ्ट वॉल पे, देन यही हम राइट वॉल पे कर रहे हैं और यही कलर हम अपनी सीलिंग में कर रहे हैं।
अब यहां से हम लोग कोई टाइल्स ले लेते हैं, फ्लोर टाइल्स, या कोई हम लैमिनेट फ्लोर ले लेते हैं, या आगे हमारे पास पॉलिश्ड फ्लोर टाइल्स, इसमें से हम कोई टाइल्स सेलेक्ट करके अपने फ्लोर पे अप्लाई कर लेते हैं। बहुत सिंपल वे में काम होना है इसमें, आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप पे ये सारा काम करना है। इसी तरीके से अगर मुझे विंडो का कलर चेंज करना है, लाइक मुझे इसको पॉलिश फिनिश में देना है, तो हम वुड के ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास वुड के बहुत सारे शेड्स आ रहे हैं। मैंने इस वाले शेड को सेलेक्ट किया और विंडो के ऊपर जाके इसको ड्रॉप करा, तो मेरी विंडो वुड इफेक्ट में आ चुकी है। अच्छा, अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें अप्लाई कर लेते हैं, लाइक सोफा, चेयर, टेबल्स, कर्टेन। उसके लिए हमें 2D में वापस जाना होगा। हम जब भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे तो हम 2D में रहते हुए ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करेंगे ताकि हम उनकी प्लेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकें। मटेरियल अप्लाई करने के लिए ऑब्वियस है कि हमको 3D में जाना पड़ेगा। अब जहां से हमने डोर्स लिए थे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से, वहीं पे हमें सोफा और चेयर्स वगैरह सब चीज़ें हमें यहीं से मिलेंगी। यहाँ पर हमारे पास सोफा आ रहे हैं और इसमें बहुत सारी सोफे की वैरायटी हमारे पास मौजूद है। इसमें से कोई भी हम एक सोफ़ा सेलेक्ट करेंगे, लाइक ये वाला सोफ़ा हमने जस्ट सेलेक्ट करके इसको ड्रॉप करा। 3D में हम व्यू करते रहेंगे साथ साथ, राइट? और इसके साथ हम कोई चेयर्स ले लेते हैं यहाँ से, आर्म चेयर्स में आते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम ये भी फर्स्ट चेयर ले लेते हैं। अब इसको हमने रोटेट करना है, इसको हम पहले 3D में जाके चेक करेंगे। इसको हमने अब रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, आप यहाँ से इसको मैन्युअली डिलीट रोटेट कर सकते हैं, एंड नंबर टू इज यहाँ पर ऑप्शंस में राइट साइड पर आपके पास रोटेट का ऑप्शन आ रहा है। ये अभी 0 डिग्री पर है, हम इसको 90 डिग्री पे कर देंगे तो ये रिवर्स हो गई। हम इसको -90 डिग्री पे कर देंगे तो हमारी पोजिशन पर ये सही तरीके से आ जाएगी। अब इसी चेयर की हम कॉपी देन पेस्ट करेंगे और इसके सामने ले जाएंगे और रोटेट कर देंगे 90 पे। अच्छा, अब हम इसमें कोई टेबल अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2D में वापस चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग सर्च बार पे जाके टाइप करके भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कॉफ़ी टेबल चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर कॉफ़ी टेबल टाइप किया। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी टेबल आ चुकी हैं। यहाँ से मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया और जिधर मुझे इसको प्लेस करना है मैंने वहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। अब हम इसको 3D में व्यू कर लेते हैं। साइज़ हमें चेंज करना है, एस्पेक्ट रेशियो को मैं ऑफ करूँगा और इसकी विड्थ मैं 2 फीट की रखूँगा और इसकी डेप्थ भी मैं 2 की रखूँगा। हाइट इसकी सेम रहनी चाहिए, है हाइट सही है हमारी। अब हम इसमें कोई कर्टेन अप्लाई कर लेते हैं। कर्टेन के लिए भी यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कर्टेन, जो अवेलेबल कर्टेन हैं इस सॉफ्टवेयर पे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गए हैं। इस कर्टेन को लेके मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया विंडो के सामने। अच्छा, अब इस कर्टेन का साइज चेंज करना है, बट यहाँ पर साइजेज इसके लॉक्ड हैं और यहाँ से अनलॉक भी नहीं हो रहे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर्टन्स पे वापस आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देन मेरे साइजेस सारे अनलॉक्ड हो चुके हैं। एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करूँगा। विड्थ कर्टन की मुझे क्या चाहिए है, मेरी विंडो की विड्थ जो थी वो 8 फीट की थी, तो कर्टन की मेरी विड्थ यहाँ पर 9 फीट की होनी चाहिए। और इसकी डेप्थ को मैं चेंज नहीं करूँगा। हाइट मेरी 7 फीट की विंडो थी और 1 फीट मेरी एलिवेट थी विंडो फ्लोर से, तो अब इसकी हाइट मेरी होनी चाहिए है 8.3, यानी कि 8 फीट 3 इंचेस। अब हम इसको भी 3D में व्यू कर लेते हैं। हमारा कर्टेन अप्लाई हो चुका है, टेबल हमने एक अप्लाई करके देख ली है और चेयर सोफा हमने अप्लाई करके देख लिया है। अब हम अगर इस पे कोई सोफे का फैब्रिक चेंज करना चाह रहे हैं तो अगेन हम मटेरियल लाइब्रेरी पे जाएंगे।
यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक्स के ऑप्शन मौजूद है। फैब्रिक पे जब हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे फैब्रिक्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें से कोई भी फैब्रिक हम सेलेक्ट करके इस सोफे पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ये लिया और जस्ट इसको ड्रॉप किया तो हमारा सोफे का फैब्रिक चेंज हो गया। इसी तरीके से हम इस चेयर का फैब्रिक चेंज करना अगर चाह रहे हैं तो यहाँ से हमने ये फैब्रिक लिया और इस चेयर के ऊपर अप्लाई किया, देन अगेन दूसरी चेयर पे हमने ये फैब्रिक अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सारे कलर्स और फैब्रिक इसमें से चेंज हो सकते हैं। कर्टिन का फैब्रिक भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको ये वाला अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इसमें बहुत इजी वे में मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स अप्लाई हो जाते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की एक बहुत बड़ी और लाइब्रेरी मौजूद है जिसको हम इंशाल्लाह आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो कि स्केचअप यूजर्स जिस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं उसी लाइब्रेरी को हम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जिन लोगों ने लेसन नंबर 1 नहीं देखा है वो ऊपर आई के बटन को क्लिक करके लेसन नंबर 1 देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।